नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। निर्वाचित मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पार्षदों को जिलाधिकारी द्वारा दिलाया गया शपथ। डॉक्टर राधा कृष्णन सभागार मोतिहारी में नगर निगम मोतिहारी आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचित मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद सभी पार्षदों को जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा शपथ दिलाया गया। मुख्य पार्षद मोतिहारी नगर निगम प्रीति कुमारी, उप मुख्य पार्षद नगर निगम मोतिहारी डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद एवं नगर निगम मोतिहारी के सभी 46 वार्ड पार्षदों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। जिलाधिकारी ने नगर निगम मोतिहारी में नव निर्वाचित मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद एवं सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्वसमय निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, नगर आयुक्त मोतिहारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। आज पूर्वी चंपारण में जो हमारे नगर निकाय के नव निर्वाचित सदस्य हैं उनका शपथ विधि समारोह राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे 5 नगर निकाय में ये चुनाव हुआ था। यहाँ पे राधाकृष्ण हॉल में मोतिहारी नगर निगम की जो सबसे बड़ा नगर निकाय है पूर्वी चंपारण जिले का, उसका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ है। माननीय जो हमारे महापौर है, मुख्य पार्षद है श्रीमती प्रीति कुमारी, माननीय उप महापौर जो है डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी, इनको शुभकामनाएं देते हैं। और नए निर्वाचित जो हमारे माननीय पार्षदगण भी हैं 40 वार्ड के, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। शपथ ग्रहण विधि यहाँ पे हो चुका है और अब जो है नगर निकाय जो है, जो म्यूनिसिपल एक्ट है, भारतीय संविधान है और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके तहत जो है कार्य जो है करने के लिए जो है तैयार। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल भारत टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।